गंगा मैया की, गंगा मैया की जय। छोरा सोया मत कर भाई, यूट्यूब पर डालूंगा। हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब? अभी यहाँ सुबह के 4 बज रहे हैं और हम हैं अपने घर में, और मेरे घर वालों ने सुबह सुबह मुझे उठा दिया। अभी तो मैं उठा भी नहीं अच्छे से। आज कल रात में स्वेटर पहन के ही सो गया था, यहाँ सर्दी काफ़ी हो गई है, तो मैं बाहर से लेट आया था, तो मैं डायरेक्ट आते ही सो गया, ना खाया ना पिया कुछ, डायरेक्ट सो गया। मेरे घर वालों ने सुबह सुबह मुझे उठा दिया है, कह रहे हैं कि चल भाई हरिद्वार चल, बहुत टाइम हो गया, गंगा जी में स्नान करके आते हैं, माथा टेक के आते हैं। तो सुबह सुबह उठा दिया, तो गाइस अभी सुबह के 4 बजे हैं, तो पहले पहले नहा के आता हूँ, फिर चलते हैं हरिद्वार, हरि के द्वार, फिर आपको बताते हैं हरिद्वार की स्टोरी क्या है, सब बताते हैं। और तो चलें, 5 मिनट देना, मैं जस्ट 10 मिनट में आता हूँ। सो गाइस आई एम बैक, आ गया ना जल्दी वापस, क्या लग रहा है कि मैं नींद में हूँ? मुंह हाथ नहीं धोया भाई, नहाया हूँ, आप कैसा लगेगा? तो गाइस कपड़े पहन लिए, घड़ी रेडी है, जूते पहन लिए, सब रेडी है, तो देरी किस बात की, चले फिर लेट्स गो। तो गाइस अब यात्रा स्टार्ट हो गई है और हम चल पड़े हैं हरिद्वार की ओर, हरि के द्वार की ओर, और आपके साथ है आपका अर्पित, अर्पित अर्पित महाजन। सर्दियां आ गई यहाँ तो, कोहरा ही कोहरा हो रहा, गाड़ी चल नहीं पा रही 30 की स्पीड से, ऊपर से बस 30 ही है। तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार, हरि के द्वार, और अब चलते हैं हर के पौड़ी, और गाड़ी लॉक लॉक लॉक, चलो चलते हैं, चलो चलते चलते। भैया हर की पौड़ी का रास्ता किधर है? इधर से चलें फिर। वो जो ऊपर मंदिर दिख रहा है वो मनसा देवी है, ये जो ऊपर मंदिर है मनसा देवी मंदिर है, और आप यहाँ भी जा सकते हैं। ये ना एक अपने ही मतलब खुद के लिए ही, मतलब बहुत सी कला है यहाँ पे, हर चीज़ कंस्ट्रक्शन से लेकर बहुत सी पुरानी रहस्यमय चीज़ें बहुत सी हैं, तो मैं इस चीज़ों में बहुत इंटरेस्टेड रहता हूँ देखने के लिए। हरिद्वार की ना एक स्पेशलिटी में से एक हर की पौड़ी आती है, मैं वहीं खड़ा हूँ, देख रहे हो भीड़ बहुत है यहाँ पे भी, आज के दिन भी अनएक्सपेक्टेड है, मगर कोरोना के चक्कर में अनएक्सपेक्टेड है, मगर है, तो चलते हैं। लोग लोग वीडियोस बना रहे, फोटोज खींच रहे, और हवा जो है, हवा 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 ही नहीं, हवा बहुत ताज़ी और ठंडी है, व्यू बहुत अच्छा है, एक दिखाऊं। देख रहे हो व्यू, देख रहे हो व्यू, मज़ेदार है ना, यही पवित्र माँ गंगा जी है, यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं, बहुत दूर दूर से, मैं ज़्यादा दूर से नहीं आया यार, मैं तो पास में हूँ। Thank you.
भाई YouTube पे आएगा तू भी, ठीक है। बहुत मज़ा आता है हरिद्वार में, गलियां देख रहे हो कैसी है, बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा यहाँ फील आता है इंडियन कल्चर का, ट्रेडिशनल रिलीजन, मतलब बहुत मज़ा आता है। टाइट गली है मगर ये भाई सामान बेच रहा है और शंख मतलब यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है कि और टाइट जगह है बेशक मगर मज़ा बहुत आता है हरिद्वार घूमने में। आप लोगों को आना चाहिए। और पता है मेरे साथ सीन बता रहा था ना मैं आप लोगों को कि सीन क्या हुआ, मैंने ना कच्चे जगह पे उतार ली थी गाड़ी, तो हुआ क्या, गाड़ी तो उतार ली, टायर घूमता रहा, मतलब फंस गया टायर वहाँ पे, और मैं भैया कच्चे जगह सुनसान रास्ता और फंस गया मैं। सुबह 4 बजे की बात है। चलो इंडिया में एक चीज़ अच्छी होती है, आपकी मदद करने के लिए कोई भी आ जाता। तो 5 लड़के आ गए, उन्होंने मेरी कार को उठाया और निकाल दिया। फंस गई थी, लिटरली फंस गई थी, ना आगे ना पीछे जा रही थी, ये सीन हो गया था। और मज़ा आ रहा है यार हरिद्वार में मुझे तो फिलहाल। आपको कैसा लगता है हरिद्वार घूमना ना, तो बताइए मुझे, हरिद्वार में घूमना चाहिए या नहीं घूमना चाहिए बताइए मुझे। कोविड में भी यहाँ पे इतनी भीड़ है, अनएक्सपेक्टेड था मगर मज़ेदार है, एक नंबर एक नंबर। गंगा मैया की, गंगा मैया की जय। बोलो सब्सक्राइब करो इस चैनल को, सब्सक्राइब करो, लाइक करो इस चैनल को, लाइक करो इस चैनल को, बाय बाय। स्कूटर ये बचपन में मैंने बहुत चलाया, ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे कैसे ऐसे करते हैं ना। अबे खा लो। इंडिया में इतना प्यार है, यहाँ के जानवर भी प्यार करते हैं, दिखाऊं? तो गाइस अभी मैं हूँ एक भैया के साथ जो कि गौशाला है हरी की पौड़ी पे, और उसकी देखभाल करते हैं। ये बहुत ही पुण्य का काम होता है गौ माता का ध्यान रखना। ये भैया हैं जो कि हरी की पौड़ी पे जो गौशाला है उनका ध्यान रखते हैं। तो भैया कितना टाइम हो गया आपको? करीब 10 वर्ष हो गया है। 10 साल हो गए हैं, और 10 वर्ष में अच्छा खासा मतलब मैं जानता हूँ कि लोग यहाँ आते हैं अपना पिंडदान क्रियाक्रम और अच्छा मतलब योगदान देते हैं, और गौओं की सेवा भी हम करते हैं लोग, तो अच्छा मतलब लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि लोग मतलब दुखी भी आते हैं और कुछ सुखी भी आते हैं यहाँ पे, और मैं चाहता हूँ कि मतलब लोग सुखी में ज़्यादा हैं और दुखी में कम आए यहाँ। तो जब आपने कभी सोचा था कि आप यहाँ आओगे कभी? नहीं, कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं कहीं गंगा के किनारे पर आकर अपनी गौ सेवा में करूँगा। मैं उससे पहले दिल्ली में रहता था। अच्छा अच्छा, दिल्ली में रहता था बग्गा लिंक पेट्रोल फिल्म स्टेशन पर। मगर अब जो है बहुत अच्छा लगता है कि गौओं की सेवा करता हूँ या गंगा मैया की सेवा करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हमेशा गंगा मैया अपने चरणों में रखे और यहाँ ही उनकी गौओं की सेवा करता रहूँ, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोग सुख शांति के रूप में आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस ये भैया थे जो कि गौ माता की सेवा करते हैं, बहुत ही पुण्य काम होता है, आप भी आया करिए और यहाँ पर जरूर रुक के जाइए। ये गौशाला आप देख पा रहे होंगे, अभी मैं गौशाला में ही खड़ा हूँ, तो आप ज़रूर आइए यहाँ पर। Thank you.
तो गाइस मैं हूँ हर की पौड़ी पे, मगर इसका रहस्य क्या है, कैसे ये मतलब नाम पड़ा हरिद्वार, आइए जानते हैं पुजारी जी से। तो चलिए चलते हैं। तो हमारे साथ अभी पंडित जी जो कि हरिद्वार की कहानी बताएंगे। हरिद्वार में राजा भगीरथ जी जो थे, उन राजा भगीरथ जी ने अपने पुरखों के उद्धार के लिए तपस्या की। सबसे पहले उन्होंने विष्णु भगवान जी की तपस्या की, विष्णु भगवान जी को प्रसन्न करके उनको जो है उनको मनाया कि मैं गंगा जी को छोड़ रहा हूँ पृथ्वी पर। पहले स्वर्ग में थी, स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए उन्होंने तपस्या की। विष्णु भगवान जी ने कहा कि भगीरथ जी, गंगा जी तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन उसका वेग इतना है कि यदि वो डायरेक्ट पृथ्वी पर डालेंगे तो वो सहन नहीं, पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी। इसलिए आप इसको जो है गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए शंकर भगवान जी से प्रार्थना कीजिए, वो प्रसन्न होंगे तो अपनी जटाओं में इसको पहले लेंगे, फिर जटाओं से वो उसको छोड़ेंगे तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा। फिर भगीरथ जी ने शंकर भगवान जी की तपस्या की, शंकर भगवान जी को प्रसन्न किया, उनको मनाया। फिर गंगा जी उन्होंने अपने कमंडल से छोड़ी, कमंडल से छोड़ने के बाद शंकर भगवान जी ने उनको अपनी जटाओं में लिया, और जटाओं में लेने के बाद में वहाँ से उनको छोड़ा। अच्छा, हरिद्वार में सबसे पहले पृथ्वी पर गंगा जी ने प्रवेश किया। अच्छा, उससे पहले जो प्रवेश किया उसको पहाड़ों से होती आ रही है। हरिद्वार पहला स्थान ऐसा है जहाँ पर पृथ्वी पर गंगा जी ने स्पर्श किया। अच्छा, हरिद्वार में अमृत कलश रखा गया था, जिस समय समुद्र मंथन हुआ था चार जगह अमृत कलश रखे गए थे, हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक और बनारस, ये चार जगह हुए थे, है ना, चार जगह में एक हरिद्वार। हरिद्वार में अमृत कलश रखा गया था। अमृत कलश रखने से हर 12 साल बाद यहाँ पर कुंभ का स्नान होता है, अमृत कलश का जो उसमें वो आता है, गुण आता है, उससे कुंभ का मेला भरता है। अच्छा अच्छा, ठीक है ना, ये अगले साल है, ठीक है ना, उससे कुंभ का। और यहाँ पर विष्णु भगवान जी ने तपस्या की, इसको लोग हरि का द्वार कहते हैं, और शंकर भगवान जी ने तपस्या की, इसको हर का द्वार भी कहते हैं। तो ये जो हरिद्वार भी है और हर का द्वार भी है, दोनों द्वार। तो यहाँ से नाम पड़ा था हरि, यहाँ से नाम पड़ा है ये। आपने अभी जो देखी कथा मतलब बताई गई पंडित जी द्वारा, वो पंडित जी हमारे कुल पुरोहित भी हैं, तो उनके पास मैं आता रहता हूँ, तो उन्होंने अभी आपको कथा बताई। तो गाइज आपको आई होप पता चली होगी कि हरिद्वार का नाम कैसे पड़ा, और आपको यहाँ स्नान करने जरूर आना चाहिए, बहुत पवित्र स्थान है। अब टाइम है गंगा जी में स्नान करने का, ताकि पाप धुल जाए। पाप तो क्या ही धुलेंगे, बहुत पाप किया है यार मैंने, सही में यार बहुत किया ना। हाँ यार बहुत किया। चलें फिर डुबकी लगाएं, तुम सबको भी लगवा देता हूँ यार, चलो चलें। फ़ोन वाटरप्रूफ है, कभी ट्राई नहीं किया, अब करते हैं यार, अगर गया तो लगने वाली है बहुत बुरे वाले। चलो चलते हैं, मगर चलें फिर, चलो। अभी पानी में मतलब गंगा जी में, और पानी इतना चिल्ड है कि आप समझ सकते हो मेरे पैर जम गए हैं, सर्दियां चल रही हैं। तो डुबकी लगाएं भाई, डुबकी लगाते हुए ठंडा नहीं है पानी भाई को लग रहा, तो भाई कैसा लग रहा? अच्छा, गंगा जी में हर हर गंगे, हर हर महादेव। चले लगाएं आपके साथ डुबकी, तो चलिए। पा रहे होंगे कि कैमरा ब्लर हो गया, क्योंकि ये पानी में गया था फोन। दोबारा चलते हैं एक बार, वाटरप्रूफ फोन है मगर मजा आएगा। एक बार डुबकी लगाते हैं फिर से, जय गंगा मैया की जय। वंस मोर, मजा आ रहा है यार। आपका फोन वाटरप्रूफ है और आप कहीं पे भी डुबकी लगा सकते हैं।
गंगा जी में मजा आ रहा है, पानी ठंडा है, पानी बहुत ठंडा है और मजा बहुत आ रहा है गंगा जी में। चलो दोबारा से तुम्हें अंडर वाटर ले चलता हूँ। आप लोगों को आना चाहिए यहाँ पे, बहुत ही अच्छी पवित्र जगह है, बहुत मजा आता है, सीरियसली मैन बहुत मजा आता है। डर लग रहा था मुझे फोन जाएगा मगर बच गए। यहाँ के तो मतलब हर इंसान पवित्र हो जाता है। आप लोग आइए और यहाँ के गंगा मैया से प्रार्थना कीजिए कि मैया हमने बहुत पाप किए हैं, हमें माफ़ करना, अपने जल में हमें स्थान लेना और हमारे पाप धोना और इस संसार का कल्याण करना। जय गंगा मैया। गाइज़ मैं अभी स्नान करके आया हूँ गंगा जी में, ऑसम फीलिंग है सीरियसली मैन, ऑसम फीलिंग। और बाल सही है ना? सो रहा है? सोया मत कर भाई, यूट्यूब पर डाल हुआ। और भाई बढ़िया, कैसी चल रही है? जय गंगा मैया की। तो गाइस आई होप आपको आज की जर्नी अच्छी लगी होगी मेरे साथ। अगर अच्छी लगी है तब भी लाइक करके जाना, नहीं भी लगी है तब भी लाइक करके जाना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और नए नए ब्लॉग्स लाता रहूँ आप लोगों के लिए। आज अनएक्सपेक्टेड प्लान था, अचानक से बना, ऐसा कभी भी बन जाता है। तो गाइस इस ब्लॉग को एंड करते हैं, अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में कहीं नई जगह पे। इंडिया में बहुत सी चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर करने लायक है और क्योंकि इंडिया बहुत सारे कलर्स कंबाइन करके बैठा है उसको एक्सप्लोर करेंगे धीरे धीरे एक करके। तो गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी। जय हिंद।